यहाँ चल क्या रहा है? बाहर इतना ड्रामा हुआ वो काफी नहीं था कि घर में भी ड्रामा शुरू कर दिया इन दोनों के साथ? अयान बेटा क्या हुआ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अयान कहीं नहीं जा रहा है, और बाहर वो मीडिया वाले थे वो चले गए। हाँ वो सब तो चले गए, पर बेचारे फालतू की फैमिली बाहर भूखे प्यासे खड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ खाने पीने का सामान ले जाऊं। एक काम करती हूँ, उनको ही घर में ले आती हूँ। ओके? नहीं नहीं रुको, अभी माँ भाई साहब से बात करने गई है, उनके वापस आने तक वेट करते हैं। और वैसे सिद्ध कहाँ है? उसको कुछ काम था तो बाहर गया है। What? घर में इतनी बड़ी टेंशन चल रही है और इसे बाहर की पड़ी है? एक मिनट, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था जो उसे अभी वहां बाहर जाना पड़ा? Oh, come on. अयान घर छोड़ के जा रहा है जनार्दन, प्लीज अपनी जिद छोड़ और एक बार नीचे जाके उसे रोक ले, वरना तेरी जिद में पूरा परिवार बिखर जाएगा बेटा। ना, मुझ पर इल्जाम मत डालो माँ, जो कुछ भी हो रहा है ना उस फालतू की वजह से हो रहा है। अच्छा तो अब जो कुछ भी हो रहा है फालतू की वजह से हो रहा है, और जो तूने उसके साथ किया उसके लिए तो तुझे मेडल मिलना चाहिए ना। अरे बिचारी के पूरे परिवार को तूने यहाँ बुलाया और सबके सामने जलील किया, तुझे कोई हक नहीं बनता जनार्दन कि तू अयान और फालतू पे उंगली उठाए, क्योंकि आज जो तूने किया ना उसके लिए कोई माफी नहीं है। मैंने मेरी तो बात नहीं सुन रहा है, तू ही बात कर ले उससे। देखिए मैं मानती हूँ कि ये शादी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है ना, और चुप चुप कर भी नहीं हुई, जो हम सबसे ये बात छुपाने लगे सबके सामने हुई है, सब लोगों ने देखा है, तो अब उन दोनों को घर से बाहर निकालकर बात और बढ़ेगी जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी नहीं चाहती थी कि फालतू इस घर की बहू बने, लेकिन जो कुछ हुआ उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज जाके अयान को रोकिए इससे पहले कि और देर हो जाए, प्लीज। कनिका, तन्नू कैसी है? मेरी बेटी के वेलबींग के बारे में जानने का हक तुम खो चुके हो जे, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वो तो मेरी बेटी ही बेवकूफ है जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम लोगों की साइड ले रही है, वरना अब तक तो मैं तुम लोगों के साथ बहुत कुछ कर चुकी होती। अभी मैं तन्नू के कहने पर ही तुम्हें कॉल कर रही हूँ। एक आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुम लोगों को अपनी की हुई गलतियों के लिए पछतावा करने का। आयान और फालतू ने सबके सामने शादी तो कर ली है, लेकिन अब अगर वो मित्तल हाउस में घुसे then I'll make sure कि आयान और फालतू के साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी सड़क पर आ जाए। मेरी बेटी बेवकूफ हो सकती है जे, लेकिन मैं नहीं हूं। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, याद रखना। क्या हुआ जनार्दन, अब क्या कहा कनिका ने? तनु, तनु, are you fine? तुमने जैसे ही बुलाया मैं दौड़ा चला आया। तनु, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुमको लेके, और ये भाई की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? How dare you say? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ऐसे निभाई तुमने अपनी दोस्ती? मेरी ना एक बात समझ में नहीं आती, बच्चों ने गलत क्या किया है? एक दूसरे से प्यार किया है, बच्चे ने बकायदा शादी की है, घर में बहू लेके आया है, पर नहीं आप लोग है ना पत्थर दिल बने बैठे हो, एकदम कठोर दिल। किसी ने भी फालतू के गृह प्रवेश के बारे में सोचा है? अयान बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारी चाची है ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुमित्रा रुक जाओ,
माँ और भाभी कुछ देर में आती होंगे और मैं ये कहता हूँ कि सविता भाभी खुद ना इन दोनों का गृह प्रवेश करवाएंगी, देखना तुम। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मॉम भाई साहब से बात क्या करने गई हैं? इनकी शादी हो चुकी है, अब दीदी भाई साहब या मॉम माने या ना माने ये बात कोई झुटला नहीं सकता। कल तक तो ये खबर हर न्यूज़पेपर में होगी। एग्जैक्टली, लो दीदी आ गई। दीदी बोलिए ना, भाई साहब ने क्या कहा? चलिए छोड़िए दीदी, ये लीजिए शगुन की थाली और बहू का गृह प्रवेश करिए। माम आप लीजिए थाली, बहू का गृह प्रवेश करिए ना। बोलो सेठ, क्यों मेरे साथ में तुमने ये खेल खेला? तुम तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते थे ना, ऐसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड। तुमने अपने दोस्त के पीठ पे छोरा भोंका। अब मुझे समझ में आया कि तुम लॉयर के ऑफिस में क्यों गए थे और तुमने अपनी बीमारी का नाटक क्यों किया, ताकि तुम पेपर्स बदल सको और उन्हें कोर्ट में सबमिट करके मेरा डिवोर्स फाइनल करा सको। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मेरे मैटर में मत पड़ो। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों किया तुमने मेरे साथ? Because I love you. Yes, I love you. पर आज से नहीं, हमेशा से। तभी हिम्मत नहीं हुई बस तुमसे बोलने की, पर यही सच है। कहा था ना मैंने, पापा नहीं मानेंगे। माँ के आंसू ने सारे जवाब दे दिए। मॉम क्या आयान सही बोल रहे? भाई साहब ने मना कर दिया, अब ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? जवाब दीजिए कुछ। मुझे माफ करते हैं, मैं तेरे बाबा को नहीं मना सकी। फालतू बस दादी सा, बस बस रोते नहीं। फालतू, तेरे पास तो हर समस्या का हल होता है ना बेटा, तो इसके लिए भी कोई आइडिया लगा लेना बेटा। इस घर को छोड़ के मत जाओ बेटा, इस परिवार को मत टूटने दे बेटा, प्लीज बेटा। चलो फास्ट ना मार सा, मैं इस घर को छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया, अच्छा खासा आयान घर छोड़ के जा रहा था, रोक लिया उसे आज्ञाकारी पत्नी बनकर, जाए ना उसके पीछे पीछे। सुना नहीं तुमने दादी ने क्या कहा? वो नहीं चाहते हम इस घर में रहे, हमारे लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। चलो आठ साहब, घर के अंदर जगह ना है ना, बाहर तो है। आठ साहब अक्कल जी ने हमें इस घर के अंदर रहने के लिए मना किया है ना, इस चार दीवारी के बाहर तो हम रह ही सकते हैं। देखना, हम इस घर में ना रह कर भी इस घर में ही रहेंगे, वो भी सबके साथ। ऐसे कैसे हो सकता है फालतू? क्या तुम दोनों सड़क पे रहने की सोच रहे हो? आठ साहब, अरे दिल कहता है कि इस वक्त थारे बाबा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने बेटे की। भले वो थारे से बात कभी कहेंगे ना, पर थारे को खुद समझना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए इस वक्त। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है फालतू, तुम ये सब देखने से इनकार कैसे कर सकती हो? थारे को सब साफ साफ नजर आ रहा है माट साहब, तारी आंखों पे ना अभी गुस्से की पट्टी बन गई है और कुछ नहीं। पर मैं जान, थे ये सब मारे से किया वादा निभाने के लिए कर रहे हो ना, पर थे ये कैसे भूल गए? मैंने भी थारे से एक वादा किया था कि थारे को थारे परिवार से कभी जुदा ना होने दूंगी। तो बस फिर मैंने फैसला कर लिया, जब तक थारे परिवार को थारे साथ में लाना लेती ना,
चैन की सांस ना लूंगी, सारी परीक्षाएं दूंगी, पीछे ना हटूंगी। अच्छा और क्या प्लान है तुम्हारा? कहाँ रहेंगे हम? सड़क पे, रोड पे टेंट लगा के रहेंगे, ये इरादा है? उसके लिए भी मैंने कुछ सोच लिया। मेरे ना कितना खून खोलता था जब मैं तुम्हारा प्यार देखता था उस आयान के लिए, वो जो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता है, वो जो तुम्हें हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता रहता है, और तुम एक के बाद एक, एक के बाद एक उसके लिए सैक्रिफाइसेस करती चली गई। यू डिजर्व बेटर तनु, उस सेल्फिश आयान जैसा इंसान नहीं। एंड यू नो वॉट, मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है इस बात का कि मैंने तुम्हारी लाइफ से आयान को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया हूं मैं पागल। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए तरू, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसके बदले तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, डांटना है तो डांटो, कोसना है तो कोसो, जो चाहो वो कर लो तनु, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया है, पता ना बहना के साथ अंदर क्यों हो रहा है, तने खाने की पड़ी है। अरे किसी ने तने ऐसा खाना ठूसते हुए देख लिया तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? थोड़ा तो लिहाज कर लो। लिहाज कर लो? अरे अब भी क्या रह गया है? फालतू के ससुर ने क्या कम बज्जती की है? अरे केस अपने लेकर आई थी मैं, महल में रहूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, नरम नरम बिस्तर पे सोऊंगी, इन लोगों से खातिर करवाऊंगी। अरे मेरे सपने तो टूट ही गए, अब क्या भूखे पेट मरूं? मारी बात मान, तू भी अच्छे से खा ले, ये सब नसीब ना होने वाला। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, लाडो अभी तक आई भी ना है, मैं ही देख कर आता हूं। लाडो, लाडो, अयान जी, अंदर सब ठीक तो है ना? हमारा घर प्रवेश हो गया? कोई बात ना है, नाराजगी है ना उन्हें, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, एक काम करो, हमारे साथ इधरपुर चलो, थोड़े दिन वहां रह लो, जब ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। ना बापू सा, अब जैसा भी है यही हमारा परिवार, हमारा घर है, और जब सब लोग यहाँ है तो हम इधरपुर कैसे जा सके हैं भला? I promise you, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे दूर करने के लिए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। I promise you. You know what, Sid? You have lost your mind. रुकिए मॉम। तुम मुझसे प्यार करते हो ना सिड? मुझे दुखी नहीं देख सकते? तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुम करोगे? तनु, एनीथिंग, कुछ भी, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तनु, तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगी सर, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। तू क्या सोच रही है? यही कि सिर्फ की वजह से मैं उस घर से निकाली गई, अब सिड ही दोबारा मुझे उस घर में लेकर जाएगा। माँ, तूने हमारे को सिखाया था ना कि ब्याह के बाद ससुराली लड़की का घर होवे, अच्छे बुरे दिन सब यहीं काटने पड़े, पर मैं कैसे लौट सकूं? पर लाडो, है लोग यहाँ कैसे रहोगे? बापू साहब, तो हमारी चिंता मत करो, जब तक मार्सा हमारे साथ है ना, मैं और वो साथ में मिलकर सारी मुसीबतों से खुशी खुशी लड़ लेंगे, और हम इस बात की भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनके बापू साहब जल्द से जल्द मान जाए, क्योंकि बहू का तो काम होता है ना परिवार को जोड़े रखना, तो फिर मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह फेर सकूं? थैने तो मारे को जिम्मेदारियों से मुंह फेरना ना सिखाया।
और थारा क्रिकेट। अबूसा, थारी फालतू पर भरोसा रखो, मैं क्रिकेट भी खेलूंगी, परिवार को भी जोड़ूंगी, घर का भी काम करूंगी, बाहर का भी काम करूंगी। अब है लोग ना होटल जाकर आराम कर ले, थक गए होगे ना, सुबह इत्तरपुर के लिए भी तो निकलना है। एहन जी, अपने दिल का टुकड़ा आपको सौंप कर जा रहा, इसका ध्यान रखो। समझदार है पर थोड़ी सी नादान भी। बाबा, आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वादा किया था मैंने आपसे, इसका ख्याल रखूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा। आप लोगों को किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माता रानी, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें। चुप चुप जी। दिस इज इलॉजिकल तनु। तनु, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? आंटी, फालतू और अयान की शादी का गहरा सदमा लगा आपकी बेटी को, आप इसे प्लीज किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। मैं अच्छे से जानती हूँ सर मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना, और तुमने मेरी और अयान की शादी तुड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर क्या प्रॉब्लम है? What the heck, तनु? मैंने जो भी किया तुमको पाने के लिए किया, पर ये सब क्या बोल रही तुम? What is this? क्यों? तुम मेरी शादी तुड़वा सकते हो और मैं तुमसे इतना सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ? अभी तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, तो फिर इसे प्यार का टेस्ट समझो। सोचो से कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो जितनी बड़ी मेरी जीत उतना ही बड़ा तुम्हारा इनाम हो। मैं तुम्हें पूरा बिजनेस हैंडओवर कर सकती हूँ, और बिजनेस को पाने के लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ उसके आगे तुम ये कुछ भी नहीं है। आई प्रोमिस यू सर, जीएम मार्ट में मैं तुम्हारी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि कोई चाह के भी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े वादे तो कर दिए हमने, फालतू पूरे कैसे करेंगे? हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। फालतू जलालतू आई वाला कटालतू, टैलेंट हमने कूट कूट के नाम हमारा फालतू। फालतू क्या? देखो सर, सिर्फ तुम ही मुझे उस घर में वापस लेकर जा सकते हो। अयान और फालतू की शादी का सच तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन जो अयान ने मेरे साथ किया है मैं उसके लिए कभी उसे माफ नहीं करूंगी। मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। जिस फालतू के लिए अयान ने मुझे छोड़ा है, मैं उसे अयान की जिंदगी से इतना दूर कर दूंगी कि वो कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। और भी कई तरीके हो सकते हैं बदला लेने के, तुम्हें यही क्यों करना है? It is right. ये तरीका सही नहीं है बच्चा। सही और गलत तो मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मैंने सोचा है। सर, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अच्छे से सोच कर जवाब देना। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो अच्छी बात है, और अगर ना हुआ तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बाकी मित्तल परिवार का होने वाला है। मैं तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं बचेगा, तुम भी बाकी लोगों की तरह रोड पर खड़े नजर आओगे, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। थिंक वाइजली। तनु, आई लव यू, मुझे बाकी सारी चीजों के साथ तुम्हारा साथ भी चाहिए। ओह कम ऑन सर, डोंट बी स्टूपिड सर, यहां कौन है जिसे लाइफ में सब कुछ मिला है? मेरी मॉम, इन्हें अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी, लेकिन आज उनकी हालत देखो। मुझे अयान चाहिए था, लेकिन अयान आज फालतू के साथ खुश। अयान को बाबा से शादी की परमिशन चाहिए थी,
लेकिन आज बाबा ने उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया। सर, जब हमें लाइफ में सब कुछ नहीं मिला तो तुम्हें सब कुछ कैसे मिल सकता है? सर, दिस इज लाइफ। हमें फैसला सोच समझ कर लेना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पैसा काफी हद तक टूटे हुए दिल का दर्द कम कर सकता है। इसलिए तुम अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।